यहाँ गंदगी बहुत है। आप देखिए, ये भी मैं कई दिनों से जब शूट कर रहा हूँ तो मुझे रोजाना दिखाई देती है। ये सड़क आप देख लीजिए, सड़क कम दिखाई दे रही है और यहाँ ये गंद ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कपड़े हैं, कुछ सब्जियाँ हैं। तो दर्शकों, एक बात मुझे ज़रूर शेयर करनी है आप लोगों से। आज सहारनपुर की मंडी में माल ज़्यादा पड़ा है। आप देखें कितना माल यहाँ पड़ा है। ये सारी सब्जी अभी बिकी नहीं है और यहाँ भी आप देखें कितना माल अभी बेचना बाकी है लोग। ये सारा माल अभी इतना बिक नहीं रहा है। उसका कारण व्यापारी भाइयों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने नवरात्रि बताया कि नवरात्रि के कारण माल बिक नहीं रहा। नमस्कार, मैं गिरीश बब्बर एक बार फिर से आपके बीच में। आज तारीख है 5 अक्टूबर 2024 और आज फिर मैं आपको सहारनपुर की मंडी में लेकर आया हूँ। यहाँ हम जानेंगे सब्जियों के और फलों के भाव। तो चलिए, आंवले का भाव हम जानते हैं क्या है। ये गोभी है, गोभी का भाव भी हम जानेंगे, फूल गोभी, शिमला मिर्च का भाव भी आप लोगों को बताया जाएगा। ये गाजर है, गाजर का भाव भी बताने जा रहे हैं हम आपको। तो दोस्तों, सचिन जी हमारे साथ हैं। सचिन जी, सबसे पहले आप फूल गोभी का भाव बताइए थोक का। फूल गोभी भैया थोक में 80 रुपए किलो बिकी है। और गाजर? गाजर बिकी है 20 से लेके 25 रुपए किलो। अच्छा, कहाँ से आती है गाजर ये इस समय? गाजर फिलहाल तो दिल्ली से ही आ रही है। अच्छा, दिल्ली में और इलाकों से आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और शिमला मिर्च? शिमला इधर से आ रही है, चंडीगढ़ से जी। भाव बताइए शिमला मिर्च का। 80 से 90 रुपए किलो है थोक में। अच्छा जी। आंवला? 40 रुपए किलो है, 40-45 रुपए। 40-45। तो चलो भाई, अब आपको नंबर आ गया नींबू का। ये नींबू है और मेरे साइड ये दाएं साइड लोकल माल है नींबू। और हमारे साथ गुलशन जी, नींबू का भाव बताइए आज का। गुलशन, ये पहले से 50 रुपए नीचे है। पहले से नीचे है? हाँ। उसका कारण क्या है? तो माल, अब माल काफी आ गया, माल ज्यादा आने के कारण बाजार नीचे हो गया। अच्छा, भाव क्या है आज नींबू का? जो खरा माल है वो 130 बिका है। खरा माल 30 रुपए किलो? 130 रुपए किलो। 130 रुपए किलो। अच्छा, और लोकल? लोकल भैया 70 रुपए 60 रुपए। 70 और 60 वही है, 97 59 67 77 30। अनिल भाई, आप हमें शिमला मिर्च का भाव बताइए। थोक का भाव है 92 रुपए किलो। थोक का भाव 92 रुपए किलो। खीरे का? 25 रुपए 25 रुपए किलो। और बंद गोभी? 22 22 रुपए किलो। ठीक। तो भाई, अब मशरूम का भाव भी हम जान लेते हैं। ये यहाँ पैकेट रखे हैं कुछ। ये कितने का, कितना वजन है एक पैकेट का? 100 ग्राम। ये मशरूम है जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। और माना जाता क्या, ये है ही प्रोटीन। और हमारे साथ हैं मेरे बड़े भाई बिरमपाल जी। अच्छा बिरमपाल जी, आज मशरूम का थोक का भाव बताइए क्या रहा? थोक का 130 रुपए रहा किलो। अच्छा, और जैसे ये आपने 100 ग्राम के पैकेट बताए, इससे अलावा भी आप वजन बनाते हो? इसके और भी वजन होते हैं 200 ग्राम का। तो भाइयों, ये है 200 ग्राम के पैकेट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उठा के। मैं ये थोक में आपको मिलेगा 20 रुपए का। और अच्छा, मिनिमम कितने पैकेट लेने पड़ेंगे? कम से कम 5 किलो। अच्छा, 1 किलो तो आपको लेनी पड़ेगी यहाँ से मशरूम थोक में। एक पैकेट आप नहीं देंगे, एक पैकेट नहीं। तो भाइयों, आप सुन लीजिए ध्यान से, ये एक पैकेट बिल्कुल नहीं देंगे और कम से कम आपको 1 किलो मशरूम लेनी ही पड़ेगी। मोबाइल नंबर बताइए अपना। 5769
74, 72, 77। अच्छा, मशरूम कहाँ से आती है? अपने निकालते हैं जी, छुटवानपुर के पास है। आपका अपना है प्रोजेक्ट? हाँ जी। अच्छा, एड्रेस बताइए। छुटवानपुर के पास गदरेड़ी गांव। छुटमलपुर के पास गदरेड़ी गांव। हाँ जी, ठीक। अरबी, ये सारी अरबी रखी है। और ये है बंद गोभी। भाई फूल गोभी बहुत जबरदस्त है, बहुत बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी की आप देख रहे हैं। ये इसका भाव हम जरूर पूछेंगे भाई साहब से। तो चलिए, हमारे साथ अशोक भाई हैं। अशोक जी कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, और आज क्या मिजाज है मार्केट का? मार्केट में आज मिजाज डाउन है। हाँ, नवरात्रों की वजह से। नवरात्रों के कारण। अच्छा, गोभी का भाव बताइए सबसे पहले। गोभी का भाव 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो। 15 से 20। अच्छा, और बंद गोभी का? बंद गोभी का भी यही भाव है। अच्छा, और हरी, ये सहारनपुर की मंडी। तो भाइयों, हमारे साथ प्रदीप कुमार जी हैं और हम इनसे थोक का भाव जानेंगे। सबसे पहले प्रदीप कुमार जी, पपीते का भाव बताइए। पपीता 10 रुपये किलो। अच्छा, कितना वजन होता है बोरी का? बोरी में 40 किलो के लगभग होता है। अच्छा, और गोभी का? गोभी जो है 25 रुपये से लेके 30 रुपये तक। अच्छा, एक बोझी का कितना वजन होता है? एक में 20 से लेके 25 किलो तक। 20 से 25 किलो था। हाँ। जी, लौकी का भाव? हाँ, लौकी 14 रुपये किलो। ये जाल वाली है। हाँ। और नीचे वाली 10 रुपये की। अच्छा, वजन कितना होता है बोझी का? वजन एक लौकी की पन्नी 30 किलो की और 25 किलो। ठीक ठीक है प्रदीप। आप लगे हाथ अपना मोबाइल नंबर बताइए। 9627-68-18-12। ठीक। तो भाइयों, मैं अब पहुंचा हूं प्रोप्राइटर नीरज सैनी और संदीप जैन जी की दुकान पर। दुकान नंबर है C36। तो चलो भाइयों, बैंगन का भाव भी हम जान लेते हैं लगे हाथ, और मोबाइल नंबर भी जानेंगे इनसे। क्या नाम है भैया? महेंद्र। महेंद्र, महेंद्र आज बैंगन का क्या भाव रहा? थोक का भाव बताना। 16 रुपए किलो। अच्छा, बोरी का कितना वजन होता है इसकी? यही 22 किलो 23 किलो। 22 से 23 किलो। ये लोकली है या बाहर से आता है? लोकली है। अच्छा, पहले से तेज है या कम है? नहीं, कम है। पहले से कम है। कम का क्या कारण है महेंद्र? जैसे माल जाते आ जब माल ज्यादा आ रहा है। सहारनपुर की मंडी। ये हरे बैंगन है, इनका भाव जान लेते हैं हम। विनोद जी, हरे बैंगन का आप थोक का भाव बताइए। 25 रुपये किलो। 25 रुपये किलो। अच्छा, जो गट्ठड़ आता है उसका, उसमें कितना वजन रहता है? वजन होता है लगभग 30-35 किलो। 30 पे। और गोल लौकी का? गोल लौकी 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो। करेले का 30 रुपये किलो। कल से तेज है मंदा है? नहीं, सेम ही है। सेम ही है। तो भाइयों, ये पालक है, देख लीजिए आप, लोग यहाँ से भर ही रहे हैं। आज इसका भाव भी जान लेते हैं। क्यों भाई, क्या भाव रहा आज पालक का? 20 रुपये किलो। थोक का इतना कम क्यों है, क्या बात? नोर तो की वजह से भाई जी, 20 रुपये किलो। नोर तो के कारण। ठीक, चलिए खीरे का भाव हम जान लेते हैं। खीरे का आज क्या भाव रहा? साथ साथ हम गोभी का भाव भी जानेंगे। गोभी का भाव बताइए। 30 से 40। अच्छा, और खीरा? खीरा है 20 रुपए। 20 रुपए किलो। 17-18-20। अच्छा, पन्नी का कितना वजन होता है? पन्नी 30 किलो 25 किलो। 20 से 25-30 किलो। ठीक, मोबाइल नंबर? 9760-73-98-07।